देश में बिजली का संकट गहराया हुआ है। इसी बीच जबलपुर के कुछ छात्रों ने एक आविष्कार किया है जो कहीं ना कहीं बिजली की किल्लत को दूर करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। आखिर क्या है वो आविष्कार, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजली की समस्या से है परेशान, जल्द ही मिलेगा समस्या से निदान, नहीं होगी बिजली की किल्लत, अब घास से बनेगी बिजली। अभी तक आपने कोयले और पानी से बिजली बनाने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि घास से भी बिजली बनाई जा सकती है? जी हाँ, ये सच है और ये कारनामा कर दिखाया है जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने। इस वक्त जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये उसी प्रोजेक्ट का लेबल, एक बहुत छोटा लेवल का लेवल है और जिस पर ये प्रयोग किया गया है कि क्या वाकई घास से बिजली बनाई जा सकती है। प्रयोग करने वाले दो छात्र हैं। तो विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले डिजाइन इनोवेशन सेंटर में कई प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। DIT में बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अतीत और प्रिंसि ने घास से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट पर सफलता हासिल कर ली। क्या आपका प्रोजेक्ट है पहले तो ये बताइए। सर मेरा जो प्रोजेक्ट है ये प्लांट माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स है। इसमें थॉट ऐसा है कि आने वाले समय पर, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रिसिटी की भी हाईली डिमांड हो रही है, तो उसका अल्टरनेट मेथड से देखा गया है कि हमारे जो बैक्टीरिया प्लांट है क्या वो बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा सर्किट हमने डिजाइन किया कि फाइनली हमको 0.4 से 0.3 वोल्ट एक पॉट में मिल रहा है। तो इस तरीके की हम मल्टीप्लाई सीरीज बनाएंगे तो हमको 4 वोल्ट मिल रहा है, जिससे कि वो आपके सामने एक LED जला के दिखा रहे हैं सर आपको। घास की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काम करते हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रोजेक्ट अभी लैब स्टेज पर है और इसे पेटेंट कराने की तैयारी की जा रही है। सर ये जैसे कि यहाँ पे कुछ कंडक्टिव फाइबर्स हैं, एनोड कैथोड कंपाउंड, वो इंसर्ट है एक राइजोस्फीयर में और इसके सॉइल सरफेस में। वो एक पॉट में कनेक्टिविटी होने के बाद हमको 0.4 से 0.5 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लॉट्स ऑफ पॉट बनाते तो हमको एक 4 वोल्ट की एनर्जी मिल रही है, तो उसको फाइनली हम स्टोर करते हैं जिससे कि लॉन्ग टाइम के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। बिल्कुल, अभी ये जो प्रोजेक्ट है इस पर आप देख सकते हैं छोटी सी बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, कुछ बल्ब लगे हुए हैं और अभी ये यदि मैं ये जला के दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट जल रही है और ये वो लाइट है जो इस घास के जरिए इस बैटरी में इकट्ठी हुई है और उसके बाद इस तरह की लाइट जल रही है, यानी कि ऊर्जा बनी है, बिजली बन गई है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है आने वाले भविष्य को बेहतर और सुनहरा भविष्य बनाने के लिए बेहद जरूरी है। यदि ये पूरी प्रक्रिया यदि सफल होती है, पेटेंट होती है और इसे लार्ज लेवल पर यदि किया जाता है तो आने वाले समय में जो बिजली का एक संकट दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है उस संकट को काफी हद तक ये प्रोजेक्ट कम कर सकता है। जबलपुर डिजाइन इनोवेशन सेंटर आखिर क्या है और किस लिए शुरू किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। डिजाइन इनोवेशन सेंटर केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत देश की 21 जगहों पर यह शुरू किया गया है, जिसमें एक सेंटर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बनाया गया है। महत्वाकांक्षी योजना है, इन्होंने DICs पूरे भारतवर्ष में 21 जगह DICs दी हैं और इन DICs में डिजाइन इनोवेशन सेंटर्स माने कि जो डिजाइन्स हैं हर प्रकार के डिजाइन्स को इनोवेट करवाना। केंद्र की इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती कीमतों पर चीजें उपलब्ध कराना है। इसका मायना यह है कि कोई चीज 1000 रुपए की आती है, 1 लाख रुपए की आती है, उसको ऐसा रास्ता ढूंढा जाए हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कि वो 1 लाख वाली चीज 1000 रुपए में प्राप्त क्यों ना हो जाए, क्यों लोगों को हम बिचौलियों को पैसे दें। घास से बिजली बनाने का यह प्रोजेक्ट अगर सफल हुआ तो आम लोगों को तो इससे फायदा होगा ही, सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा। इसके पीछे कारण घास है, क्योंकि घास को उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आसानी तो इतनी हो जाएगी, देखिए आप अगर कुछ सिस्टम ऐसा बनता है कि जहाँ खेत में लाइट नहीं है रात को और वहाँ लाइट अपने आप जलेगी बिना खंभे के, तो बीच में से ही आप खेत में से आप लाइट जनरेट करा के कम से कम अपनी रास्ता तो उनका किसानों का पता होगा कि प्लाने प्लाने जगह से निकलना है और साथ साथ में उनके घर की रोजमर्रा की जिकार होंगे, पंप चलाने का सिस्टम भी हो जाएगा। DIC सेंटरों में इस तरह के कई प्रोजेक्टों पर काम किया जा रहा है और घास से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट सफल हुआ तो भविष्य में बिजली का संकट नहीं होगा। जबलपुर से दुर्गेश साहू के साथ टीम न्यूज़ 8।